हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। अगर आपका अकाउंट इलाहाबाद में था या फिर इंडियन बैंक में है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। मैंने वीडियो में बता रखा है कि इंडियन बैंक का बैलेंस कैसे चेक करते हैं। क्यों मिला जुला के बात यह है कि इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक दोनों एक हो चुके हैं, अब इलाहाबाद को इंडियन बैंक के नाम से जाना जाएगा, सिंपल। एंड गाइस, अभी भी कोई भी डाउट हो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। एंड गाइस, बैंक बैलेंस कैसे चेक करते हैं मैंने वीडियो में बता रखा है, कुछ ही देर में वीडियो स्टार्ट होने वाली है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एंड गाइज, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, वीडियो देखिए ध्यान से। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कि आप इंडियन बैंक का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आपका इंडियन बैंक में अकाउंट है तो उसका बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डायलर पैड को ओपन कर लेना। डायलर पैड ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक नंबर बता रहा हूँ गाइज, नंबर आप नोट कर लीजिए। नंबर है गाइज 9289592895। सो गाइज, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस नंबर पे वो कॉल करना है। कॉल आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना है, ठीक है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में लिंक है नंबर, उस नंबर से आपको कॉल करना है, जो भी आपके इंडियन बैंक में नंबर लिंक है। सो गाइज, कॉल आप करेंगे, कॉल 2-4 सेकंड चलेगी, ऑटोमेटिकली कॉल कट हो जाएगा। कॉल कट होने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस है। सो गाइज, मैं यहाँ पे सिम एक से कॉल करके दिखाता हूँ। सो गाइज, मैंने कॉल लगाया, रिंग हुई, कॉल कट हो चुका है एंड कुछ ही देर में मेरे पास मैसेज आ जाएगा, मैं वेट कर लेता हूँ। सो गाइज, मेरे पास मैसेज आ चुका है इंडियन बैंक की तरफ से। सो गाइज, मैं आपको मैसेज दिखाता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन बैंक। सो गाइज, यहाँ पे लिखा है योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद द बैंक। सो गाइज, मेरा नंबर जो है मोबाइल रजिस्टर्ड नहीं है इंडियन बैंक में। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप किस तरीके से आपको चेक करना है। अगर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता तो मुझे दिखा देता, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से करना है, जो भी आपके इंडियन बैंक में लिंक है। सो गाइज, इस तरीके से बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं। अभी भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।